हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो पूजन करती है सास ने पूजन करी या बहू पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहू को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहू पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकलती है। मात्र पूजन करने वाला, अब इसको लोग समझते तो है नहीं, उन्होंने कहा महाराज जी हाँ पांव पड़ने से कुछ होता है, अगर पांव पड़ने से कुछ होता होता तो बात दूसरी है। तो शिव पुराण उठा के देख लो, मार्कंडेय जी की उम्र कितनी थी, मात्र छोटी सी उम्र में मार्कंडेय जी को मरना, प्राण छूटना थे मार्कंडेय बाबा पर उनको कह दिया अगर जितने भी बड़े मिले उनको प्रणाम करते जाना, और रोज सबको प्रणाम करता था। एक दिन माता पार्वती निकल कर जा रही थी, इसको भान नहीं था, ये स्त्री समझ कर प्रणाम कर लिया, छोटे से बच्चे को माता पार्वती ने वर दे दिया आयुष्मान भव, और वो आयुष्मान भव हो गया। और फिर मार्कंडेय को जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, तब शंकर के गण वहीं पर खड़े थे, उन्होंने कह दिया ये मर नहीं सकता मार्कंडेय, इस मार्कंडेय ऋषि को, इस मार्कंडेय को कोई मार नहीं सकता, क्यों? पार्वती जी का वर है। तो पार्वती ने कब वर दे दिया, पार्वती जी को बुलाया, आपने इसको कब आशीर्वाद दिया? पार्वती जी बोली मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया। मार्कंडेय ऋषि ले चित्रगुप्त महाराज ने देखा, कहा माता जी आप स्त्री के वेश में, एक ब्राह्मणी के वेश में निकल कर जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आकर आपके चरणों में गिरा था, आपका पांव छुआ था, तो आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी भव आयुष्मान भव, याद करो। माता बोली हाँ मैंने आयुष्मान दिया था, मैंने वर दिया था, बस तो इस बालक की आयु आपके आशीर्वाद से बढ़ गई है। जब जब बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो हमारे को भी चिरंजीवी आयुष्मान होने का और जीवन में सुखी होने का वर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन